जैसा कि यूपीएसआई के लिए आवेदन की तिथियां समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म पूरी तरह से सबमिट नहीं हुए हैं, जिस कारण से वो परेशान हैं। तो इसके लिए हम आपको एक अपडेट यहां पर कर दें, उसके बाद इन प्रश्नों पर बात करेंगे। चैनल पर कमेंट के माध्यम से एक ये कमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर जिनके आवेदन छूट गए हैं वो लोग मिलकर चयन बोर्ड चलें। तो आप क्या करिए, इस नंबर पर तुरंत इनको मैसेज करिए और इनके साथ जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, कम से कम 100-200 लोगों का ग्रुप बनाइए, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन छूटे हैं और सभी लोग चयन बोर्ड पर यानी भर्ती बोर्ड पर जाकर मुलाकात करिए अधिकारियों से और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आवेदन की तिथियां बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण था, बहुत सारे कैफे दुकानें बंद थी, जिस कारण से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। साथ में ट्विटर अभियान भी चलाइए और चयन बोर्ड से भी मिलिए और सोशल मीडिया पर भी अपनी अपडेट करिए। उम्मीद है कि आजकल में इससे संबंधित आदेश भी देखने को मिलेगा और आवेदन की तिथियां बढ़ेंगी, लेकिन इसके लिए आप सभी को आगे बढ़कर प्रयास करना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी साथी यहां पर याची बन जाते हैं और उनकी अपील फाइनल होती है और उस अपील के साथ कनेक्ट होती है, तो यहां पर आपको याची लाभ जरूर मिलेगा। और इस याची लाभ के अंतर्गत आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगी, जो कि 2018 से काउंट की जाएगी। याची बनने के लिए पहले स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि आप किसी एक वकील को पकड़िए और ये दीपक कुमार के नाम से जो अपील है 5077, इस अपील में अपनी अपील को कनेक्ट करवाइए, तो ये आदेश आपके आदेश पर हो जाएगा, यानी ये आदेश आपकी जो अपील होगी उस पर लागू हो जाएगा और आपको जो याची लाभ है वो मिल जाएगा। ये पहला तरीका है जिसमें आपको खुद वकील करना पड़ेगा। आप टीम बना सकते हैं, 100 लोगों की, 50 लोगों की, 10 लोगों की, और केस फाइल कर सकते हैं इस आदेश के आधार पर। इस आदेश को प्राप्त करने के लिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिट संख्या और इस नाम से आप सर्च करिएगा, आपको ये आदेश डाउनलोड करने को मिल जाएगा। या तो आप उन साथियों को अपने संपर्क कर सकते हैं जो आपके साथी हैं, जो पहले से याची बन गए हैं और उनको याची लाभ मिल चुका है, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट नहीं खोली जा रही है, ऑफलाइन तरीके से इनके आवेदन लिए जा चुके हैं। पहले चरण में लगभग 170 अभ्यर्थियों के यहाँ पर आवेदन लिए गए थे। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पर छूट मिले, आवेदन का मौका मिले, तो तुरंत इस पर आप स्टेप करिए और जैसा मैंने बताया वैसा आप करिए, आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, आप आवेदन कर पाएंगे। आगे किसी भी प्रकार की कोई सूचना होगी तो हम आपको शेयर करेंगे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।